पसंद आए हो तुम मुझे, के पसंद आए हो तुम मुझे, आओ दिल लगा लेते हैं। सोच लो थोड़ा जल्दी, हम मौका दोबारा नहीं देते। पर अगर दिल से निकाल दो तो बता देना, हम उठकर चल पड़ेंगे। कि अगर दिल से निकाल दो तो बता देना, हम उठकर चल पड़ेंगे। कि ढूंढते हुए इस दुनिया में मोहब्बत, हम फिर एक बार गिर पड़ेंगे। कि गिर गिर कर हमने सीखी है ये दरिया दिली, कि गिर गिर कर हमने सीखी है ये दरिया दिली, जो अब आ गए हो तो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे तो 100 लगे। थोड़ा सा समझ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना अभी थोड़ा चलेगा। तो कभी कभी मैं अच्छा लिख देता हूँ तो तुम कहते हैं भैया आप तो पूरे शायर हो, तो उनके लिए मैं 2-4 लाइनें कहता हूँ। वो ये हैं कि हम शायरी नहीं, हम ख्याल लिखते हैं। ये हम शायरी नहीं, हम ख्याल लिखते हैं, शायद जो तुम्हारी दुखती रग है ना उसी पे हाथ रखते हैं। कहते हो तुम हम बहुत अच्छा लिखते हैं, हमारे मुताबिक तो ऐसे बच्चे लिखते हैं। ना है गहराई ना बात कोई अच्छी, फिर जब तुम पूछते हो हम क्या करते हैं, जी शायरी नहीं हम अपने ख्याल लिखते हैं, शायद दुखती रग पे तुम्हारी अपना हाथ रखते हैं। तो मैं अपनी मेन पोएम क्या हूँ मतलब लिखी थी, तो वो वही है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर तुम प्यार का बंटवारा कर रहे हो, तो मैंने उसको एक माँ के शब्दों में डाला है कि एक कुरान भी मेरी एक गीता भी मेरी, एक कुरान भी मेरी एक गीता भी मेरी, एक अम्मी है मेरी एक माँ है मेरी, दोनों से मोहब्बत मैं बेइंतहा करता हूँ, अगर मान लूँ इन्हें एक तो दुनिया है मेरी। हो अगर रोजा एक के घर तो भूखी दूजी भी रहती है, हो अगर दिवाली एक के घर तो खुशियां ईद सी बनती हैं। ये प्यार है अजब सा, तुम समझ ना पाओगे, देख इन हंसते चेहरों को तुम बाद में मुस्कुराओगे, मगर देख लग गई किसकी ये नजर, अब घटता जा रहा है प्यार का असर, हुई है अब उनके मुन्ने की इनके लाल से लड़ाई, सीख जो माँ ने दी वो दिख ना पाई, अब लगता है मेरे भी जाने की घड़ी है आई, क्योंकि यहां तो हो रही है भाई की भाई से लड़ाई। ये थोड़ा सा सीरियस हो गया तो थोड़ा वापस प्यार पे आते हैं, तो कि थोड़ा अगर आप मेरे को दे तो मैं करूं, कि तेरे हर नजाकत की सजा हम यूं सहते चले, कि उस नक्शे कदम पे हम बेकौफ चले, हमने तुम्हें हमारी तो मान लिया लेकिन तुम भी बेवफा निकले, कि हर दर्द को तुम्हारे हम घूट कर पी गए, कि हर दर्द को तुम्हारे हम घूट कर पी गए, हर धोखे को तुम्हारे हम यूं सहते गए, जी लो दौर है तुम्हारा क्योंकि जी नहीं पाओगे अगर हम चले गए। तो एक बार ये अभी क्या हुआ, हम फर्स्ट ईयर में आए हैं, एक ही महीना हुआ मैं आए हुए, तो वो होता है ना फर्स्ट ईयर में पहले दिन आते ही दिन में, और समझ रहे ना वो भाई वो मेरी क्लास के वो समझ जाएंगे कि, तो उसमें क्या होता है ना बंदे मतलब ऑब्वियसली बच्चे हैं समझ नहीं होती हमें, तो हम कर लेते हैं तो होता क्या ज्यादा ब्लॉक हो जाते हैं, काम नहीं आ पाता, समझ रहे ना। तो कि यूं ही बयाने इश्क किया था मैंने, सोचा क्या मैं खोऊं क्या पाऊंगा, पाया तो कुछ नहीं मैंने लेकिन अब खोने का गम कैसे भुलाऊंगा। तो अब थोड़ा सा मतलब ये आप जैसे भी लेना चाहे वैसे लें, तो ये मेनली तो मैंने मतलब भगवान की तरफ वो करते हुए लिखा था कि एक उस एक का दीवाना हूं, कि उस एक का दीवाना हूं उसकी दीवानगी में सब होश खो बैठा, कि उस एक का दीवाना हूं उसकी दीवानगी में सब होश खो बैठा, खोया हूं कुछ इस कदर वरना सोच लेता क्या पाया और क्या खो बैठा, जीने के पल तो लाखों आए लेकिन सोचता हूं अगर उसके लिए जी लेता जी पाता तो मर लेता। रिकॉर्ड योर पोएट्री शायरी स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन नोजोटो ऐप, डाउनलोड द ऐप नाउ।